नाउ द बैग इज वाटरप्रूफ, मक कवर डाल दिया तो मट्टी नहीं जाएगा बैग पे। ओके, जो मेरे ब्लॉग को लगातार दिखता रहेगा उसको मालूम रहेगा कि अपनी जो स्कूटर थी उसकी बैटरी खराब हो चुकी थी, तो मैंने रिप्लेसमेंट में दी थी एक्साइड बैटरी वाले को। संडे का दिन है, सुबह सुबह कॉल आया, मतलब 11 बजे कॉल आया कि आपकी बैटरी ना रिप्लेस होकर आ चुकी है, तो आपको चाहिए तो लेके जाओ। तो ऐसा मैकेनिक को फोन किया, मैं बोला यार बैटरी फिट करना है, तो बोलते हैं नहीं यार वो लोग ही करके देगी क्योंकि संडे का टाइम है, मेरी शॉप बंद है। तो जो एक्साइड वाला बैटरी वाला है, अगर अपनी गाड़ी में बैटरी लगा के देगा तो आज ही अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और शायद आज से ही मैं मोटो व्लॉग स्टार्ट करूँ। लेट्स सी, पहले तो ये गाड़ी धक्का मार के मेरे को एक्साइड बैटरी वाले तक लेके जाना पड़ेगा। तो डाला हुआ है बट ये बैटरी, मतलब ये जो डालती है इसकी वजह से तकलीफ नहीं होती ना? कंटिन्यू चालू है? नहीं कंटिन्यू चालू नहीं है, स्विच डाला है ना पीरू ने, क्या मतलब ऑन ऑफ करने का, अभी चालू नहीं हुआ, नहीं जाना पड़ेगा पीरू को। तो हुआ क्या, वायरिंग निकाल दिया रहेगा। हाँ वायरिंग निकाल दिया रहेगा, ये हो सकता है। बहुत दिनों बाद यार गाड़ी चलाने वाला हूँ, बैटरी लग गई तो खुशी कुछ अलग ही है। जैसे ये मैंने बंद कर दी गाड़ी, वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रेक दबाई, सेल्फ स्टार्ट किया। ये एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती ना तो मज़ा आता है, कहीं भी गाड़ी चलाने का मज़ा आता है, चाहे ऑफ रोडिंग हो या बोलते ना स्ट्रीट रोड पे भी गाड़ी चलाओ, बट गाड़ी चालू होनी चाहिए, बंद हो जाएगी ना तो कंटल आता है। बट ये लाइट नहीं चालू हो रही तो इसका वायरिंग वापस दिखना पड़ेगा। जब मैं स्कूटर का बैटरी रिप्लेस कराने का मुझे 80 रुपीज़ चार्ज लिया है, मतलब फ्री में होना चाहिए बट फिर भी 80 रुपीज़ चार्ज लिया है, सोच लो। तो जैसे आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं मोटर व्लॉग स्टार्ट करूँगा, तब की मोटर व्लॉग स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत टाइम के बाद गाड़ी चला रहा हूँ तो यार बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं मैकेनिक के पास गया था, मैकेनिक ने बोला कि बैटरी का जो वारंटी कार्ड रहेगा उधर नया डेट दिखाया गया, मैं बोला नहीं यार, बोलता अरे यार जा और लिखवा, तो वो लिखा के अभी मैं बाहर निकला हूँ और अपनी बाइक की राइडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार मोटर व्लॉग करना बनता है, देखा ना वो रिक्शा वाला कैसा बेवकूफ की तरह चला रहा था, तो मोटर व्लॉग करना बनता है तो मैंने हेलमेट पहना है और हेलमेट से अपना एक्शन कैम लगा दिया है और मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या पता चलेगा बताएगा, फर्स्ट अपनी लाइट वाइट तो नहीं चल रही है कि मैकेनिक से मैंने बात किया था, उसके बोला तो सर्विस सेंटर में थे जाना, तो कब एक रात में उन्हें चेक कर लिया, बट अभी फिलहाल तो मेन ये चेक करना है कि जो रिप्लेसमेंट करके बैटरी जो आई थी वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अभी मैं लंबा अभी तो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो उसके बाद मलाड़ी आ रहा हूँ, तो मलाड़ी आ रहा हूँ तो मैंने सोचा गुरु के घर पर भी चले जाता हूँ, इवनिंग भी वहाँ पर है तो मुलाकात हो जाएगी, और थोड़ा लंच भी वहीं कर लूँगा, डिनर भी वहीं कर लूँगा, और बाहर जाने का मौका मिला मतलब घूमने का राइडिंग का तो थोड़ा कर लेंगे। उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ मलाड़, इन बिटवीन में मैं एक दो शॉप पे जा रहा हूँ थोड़ा। शिफ्ट किया क्या? अच्छा टॉप बॉक्स मिलेगा आपने को? हाँ ओके, ये कितना 28 लीटर? 32 30 लैपटॉप सेक्शन आ सकता है ना? लैपटॉप आगे रख, आगे रखो मेरे साथ ही मतलब, और एक पूरा पट्टा वाला आता है वो तो बैठेगा ही नहीं ना, वो बैठेगा नहीं इसके लिए, तो ये निकाल, ये रॉड भी बीच में आ जाएगा और ये बंद भी नहीं होएगा। अरे बहुत प्यारा बैठा, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सिट दिस ब्यूटीफुली ऑन द बाइक। ओ बहुत प्यारा बैठा है, परफेक्ट हो गया मतलब 19-20 भी नहीं पड़ता, ऐसा इट्स लाइक मेड फॉर इट, वैसा बैठा है ये, वाटर बॉटल आ गई, ओके टच भी नहीं, वजन डालने के बाद टच नहीं होएगा ना इधर? नहीं होगा ना, कितना वजन डालने के बाद, बिकॉज़ ये तो कपड़ा ही आएगा, नहीं देख क्या है ना, सो यू नेवर, ये अपना इतना सेक्शन है, हाँ ये एक्चुअली में देखा गया है, ये अभी ये, अच्छा ये लोड ये आ रहा है, हाँ, रहा है ना, हाँ ये अभी ये बंद हो रहा है बोल के, बट देन वंस यू अटैच दिस और ये तो टाइट कर दिया तो तेरा ये ऊपर ही रहेगा, राइट और इसमें कवर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कवर आता है, सो दैट्स अ मक कवर. ओके, गेट ना, इज अ मक कवर. नाउ द बैग इज वाटरप्रूफ. मक कवर डाल दिया तो मट्टी नहीं जाएगा बैग. ओके वरुण, मुंबई में जैसे ही लॉकडाउन खुलता है ना, ट्रैफिक की तो बौछार आ जाती है. मतलब लाइक कैसे बोलते हो, महाभारत में बोलते ना, तीरवान रह जाते. अरे यार, एक तो पुलिस वाले लोग ने बैरियर लगा रहे थे, तो स्लो चलती है गाड़ी अपनी, इतनी इजीली जा सकते हैं फिर भी. बट रुका यार, तो अपने तो डॉक्यूमेंट भाई क्लियर है, तभी जाएंगे. ठीक है, यानी गाड़ी चलाते वक्त हमेशा डॉक्यूमेंट क्लियर रखा करो, चाहे वो PUC हो, इंश्योरेंस हो, RC बुक हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, समझे. हाँ, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. क्या बात कर रहा था मैं, हाँ यार, कि मुंबई में जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, ट्रैफिक की बौछार हो जाती है. कौन से भी रास्ते से जाओ, SV रोड, लिंक रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गली गुच्ची, कहीं से भी ट्रैफिक. और स्पेशली ज़्यादा बोलूँ तो क्या रहता है मालूम है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, रिक्शा वाले सबसे पहले कहीं ना कहीं खड़े रह जाते हैं. उसके बाद आती है बाइक, उसके बाद आती है ट्रक, टेम्पो, ये सब. उसके बाद आती है कार. लॉकडाउन के बाद कार लोगों ने निकलना कम किया है, बिकॉज ऑफ पार्किंग भी नहीं मिलती, और उनको रुकाते तो बहुत बड़ी बड़ी फाइन लग जाती है. उसके लिए क्लाइमेट कुछ चेंज है, बारिश नहीं आ रही है. मैं चाहता हूँ बारिश आए, क्योंकि मोटो व्लॉग चेक करना है कि मैं बारिश में मोटो व्लॉग कर पाता हूँ या नहीं. क्योंकि मैंने क्या किया हुआ मालूम, अपने GoPro में वो क्या बोलते हैं, जेल लगा दिया है. जेल नहीं, क्या बोलते, चिंगम नहीं, क्या बोलते, कुछ तो बोलते यार, वो लगा दिया, जिसकी वजह से पानी है ना अपने GoPro में ना जाए. तो अभी देखो, बारिश आएगी तो बहुत अच्छी बात है. क्लाइमेट बार बार चेंज हो रहा है, कभी इससे बारिश आएगी, कभी लगता है बारिश नहीं आएगी. यार उल्टे क्यों आते हैं, पेट्रोल बचाने के लिए उल्टे आते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा, ये लोग को ये समझ में नहीं आता. गुरु के घर पे मैं आ चुका हूँ. ये जगह कुछ जानी पहचानी लगती रहेगी. यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, क्योंकि एक महीना रहा था. गाड़ी अपनी पार्क करी है, उर्मी यहाँ पे ही है, तो उसको कुछ सामान चाहिए था. मतलब सामान बोले तो उसकी बुक थी, पढ़ाई लिखाई की. क्या बात है, ये ले तेरी पढ़ाई हो रही है, तेरी पढ़ाई का और बोझा. आंटी इतना चिल्ला क्यों थी आज कुछ ज्यादा आवाज नहीं लग रहा है. मिल गया ना, सब बुक देख ले, पढ़ाई करो बराबर. खाना खा, मैं भी खा लेता हूँ, भूख लगी है. उसे मिल लिया, उर्मी को अपना बुक दे दिया. अभी मेरा काम है, भूख लगी, खाना खाना है. ये लोग ने खाना खा लिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया. अब मेरा टाइम है खाना खाने का. उर्मी के दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है. उर्मी के दांत देखो, दिखा अजीब लग रहे. यहाँ पे इतना बड़ा लिस्ट दिया, अभी क्या करने का. हाँ वही है, उसका बात करने का स्टाइल थोड़ा बदलेगा. पहले जो फुटेज देखी वहाँ पे मैं ना माइक चालू करना भूल गया था. ये भागम दौड़ी रहती है तो भूल जाते हैं. तो ये मैं बता रहा था कि वो जो लड़का था वो गुरु का दोस्त था. सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, वहाँ ऐसे तोड़ नहीं सकते. मालूम है ना, सुबह पुलिस वाले ने पकड़ा था. हाँ, आगे जाके अपने को लेफ्ट मारने का. एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं वॉकिंग के लिए, बट वहाँ पे एक शॉप है जो अपना टॉप रैक है उस पर टॉप बॉक्स बिठाने के लिए. तो सुबह एक दुकान दिखी थी, दूसरी भी दिखी थी, तीसरी भी दिखी थी, बट सब फुटेज तो दिखा नहीं सकता. बट अभी जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ के भी फुटेज दिखा होगा कि नहीं वो पता नहीं. बट टॉप बॉक्स में लगा के चेकआउट कर रहा हूँ कि यार अगर मैं टॉप बॉक्स लगा रहा हूँ तो कितने का लगेगा और उसमें मेरा लगेज कितना आएगा. पहुँच गए हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे. अभी टॉप बॉक्स के बारे में पूछते क्या बोलता है. नहीं, मैंने कॉल करके आया हूँ, बंद नहीं है. बाइक के लिए नहीं, एसेसरी स्टॉप बॉक्स के लिए फोन किया था मैंने. ये देख, ये गाड़ी मेरे को चाहिए. स्कूटर ही है, बर्गमैन 400 है ये. हाँ वो मेरे को चाहिए, मैं सब पूछ रहा हूँ. वो कब का मैं ढूंढ रहा हूँ उसको. अपने स्कूटर रिलेटेड जो भी काम था वो कर लिया आज. और बाद में मैंने जैसे बताया था हम लोग वॉक पे निकलेंगे. पीछे टर्न मार के दिखा रहा हूँ गार्डन, देखो यार ब्यूटीफुल गार्डन है. यहाँ पे वॉक करने बहुत मज़ा आ जाएगी. ये गार्डन में मैं कैसे पहुँचा मालूम है, जब मैं ऑफिस जाता था ना तो मेरा कैसा मालूम है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस से ना अलग अलग रास्ते से जाता हूँ.
तो मुझे ये गार्डन मालूम था कि यहाँ से आता है, तो बस ये रास्ते से मैं वापस आया, गार्डन खुला देखा और मैं अंदर घुस गया हूँ। और घुसने के बाद अभी वॉक कर रहा हूँ, मज़ा आ रही है। देखो क्या मस्त गार्डन है, ऑसम। मास्क तो पहन के रखना पड़ेगा, पता है क्यों, इसलिए आवाज़ थोड़ी अलग आती रहेगी, तो माफ़ कर देना। मैं वॉक कर लेता हूँ फिर घर की तरफ जाने का अपने को। गार्डन में वॉक करने के बाद मैं घर पे आ गया था और वीडियो वहाँ पे एंड करना था, बट घर पे आते तो कुछ ना कुछ काम रहता है, देन गहरी नींद थी तो सो गया, नेक्स्ट डे उठा, ऑफिस का काम था, इसके लिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। यानी मंडे का दिन एक्चुअली या ट्यूजडे को मैंने वीडियो एडिट कर ली, बट अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये आप जो वीडियो देख रहे हो वेडनेसडे को देख रहे हो, तो वीडियो डिले आने के लिए सॉरी, बट ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, मैंने बाइक का सैडल बैग और अपना टेल बैग जो था वो मैंने ले लिया है, तो मेरी नेक्स्ट राइड कहाँ पर जाने वाली है वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो अपने स्कूटर के दीवाने हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी राइड नेक्स्ट कहाँ पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आएगी, तो सबसे पहले आप देखोगे और पता चल जाएगा कि मैं राइड कहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड बी सेफ।